हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट हर्बल रेमेडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ये मेडिसिनल प्लांट को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो आज हम इस मेडिसिनल प्लांट की बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है, इसको उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में या हिंदी में इसे महल बोला जाता है। और फ्रेंड्स, जो हम अपनी वीडियोस बनाते हैं तो इसमें जो भी प्लांट होगा मेडिसिनल तो होगा ही, और वो फ्लावर भी हो सकता है और ट्री भी हो सकता है, वो पेड़ भी और सब भी हो सकता है और हर्ब भी। ये तो आपको बताई है, ये हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे आसपास वो मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं। और ये हमारा प्रयास है कि हम इन प्लांट्स के बारे में या जो इनका औषधि या दवा में जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपको जानकारी दें, तथा उसके साथ इस पौधे की पहचान के बारे में और ये कहाँ पाया जाता है, इसका जो आवास है और किस टाइप की जलवायु में पाया जाता है, हम ये जानकारी देने की भी आपको पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं आप वीडियो को पूरा देखें और बीच बीच में स्किप करके ना देखें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियो में, ये तो आप जानते ही हैं। तो कंटेंट के हिसाब से हमारी वीडियो नॉर्मली कही जाएगी। फ्रेंड्स, आप ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये मेल का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कहीं भी ऐसे ही आसपास खुले स्थानों में या मैदानों में या जंगलों में ये स्वतः ही उगता है। यहाँ भी छोटा पौधा हम आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि जो इसके बड़े पौधे हैं वो तो अब बहुत ही विलुप्त प्राय जैसे हो गए हैं, क्योंकि बहुत से जो पौधे हैं वो तो अब जो हमारे आधुनिक समय में इन पौधों को या तो ईंधन के रूप में लकड़ी के लिए का कटान करके या इनको जलाया जा चुका है, या इन्हें काटा या बेकार समझकर घर के आसपास से हटा दिया गया है, तो वे जंगलों में ही ढूंढने पर मिलते हैं। और दूसरी अहम बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमेशा ही जो वन अग्नि का प्रकोप होता है या जो अग्नि आग जो हमारे जंगलों में लग जाती है, तो उससे भी ये पौधे उग नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये होते हैं जैसे ही बढ़ते हैं, जैसे कि एक साल में ये इतना बड़ा पौधा हुआ है तो उसके बाद ये आग लगेगी, तो हर साल जैसे आग लगती है तो ये सूख जाता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत से जो ये पौधों की प्रजातियाँ हैं या वन्य जीव की प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त प्राय हो गई हैं या संकटग्रस्त हो गई हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं, कि आप वनाग्नि को रोकने में भी सहयोग करें या अपने स्तर से जो भी संभव प्रयास हो वो करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी बना रहे और हमारे ज़िले की या हम कहें हमारे राज्य की जो भौगोलिक सुंदरता है या प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बना रहे और एक पर्यावरण जो संतुलन है उसमें भी संतुलन बना रहे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो की ये नॉलेजेबल होने के साथ साथ मोटिवेशनल भी हो, और ये हम कोशिश भी करते हैं। और एक बात और, हमारी जो वीडियोज हैं ये हर इंसान के लिए, हर किसी के लिए हैं, हर किसी धर्म मज़हब
और हर किसी आदमी के लिए है, और मेल और फीमेल, औरत कहो या पर्द कहो, उन सभी के लिए हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जो परिवार में जो घर की फिक्र होती है वो तो मर्द से ज़्यादा औरत को होती है, क्योंकि घर की सेहत के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में घर की औरतें जो घर के मर्द हैं, मेल से हैं, उनसे ज़्यादा सक्रिय एक्टिव देखी गई हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो आप सब लोग हमारी वीडियो को देखें तथा जो अभी हम जानकारी इसमें आपको देते हैं आपसे ग्रहण भी करें, और अगर आप जैसे कि इन पौधों के जो इस्तेमाल हम बताते हैं आप वो करना चाहें, अगर ये आपके आसपास मौजूद नहीं भी हैं तो आप हमारे बहुत से हमारे देश में ही बहुत से प्रतिष्ठित जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, जैसे पतंजलि है, वैद्यनाथ है, हिमालया है, तो इनमें भी ये जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। तो आप वहाँ जाके भी जानकारी मेडिकल स्टोर से जो उनके मेडिकल स्टोर में ऑथराइज्ड पर्सन है या जो मेडिकल स्टोर के स्वामी हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और इनके प्रोडक्ट जो आते हैं या तो किसी भी प्रकार से इनके जो मिश्रण इन प्रोडक्टों में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि जो ये पौधे हैं ये मल्टीपर्पज भी होते हैं, क्योंकि ये ईंधन है, जैसे जलाने की लकड़ी से लेकर फल है वो भी इनके खाने के इस्तेमाल में हमारे आते हैं, और उनके छाल है, पत्ती है, जड़ है, तना है, ये सब भी दवा के रूप में या औषधीय गुण मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो इतने बहुपयोगी पौधे होते हैं, तो आप इनको संरक्षित भी करें और हो सके तो संवर्धित भी करें इनको, क्योंकि पेड़ लगाना तो एक बहुत अच्छा और एक गुड वर्क माना जाता है। तो आप कभी यथासंभव आपको अगर ऐसा सहयोग बने तो आप लोग इत्तेफाक बने तो आप लोग वृक्षारोपण भी करें। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोसेस पौधे की डिटेल के बारे में जानें, तो जैसे हम बता चुके हैं इसको मेहल या हिमालयन पियर, हिमालयन नाशपाती या इंडियन वाइल्ड पियर, इंडियन भारतीय जंगली नाशपाती के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसके अन्य नामों की हम बात करें तो इसको मोल, कैनट, कैंट, और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इसको मजल और पासी बोला जाता है। हिमालय नाशपाती छोटा और मध्यम आकार का पर्णपाती तो पतझड़ वाला पौधा होता है। ये अपने फलों के लिए भी उगाया जाता है। कुछ देश हमारे ऐसे हैं जहाँ इसकी खेती भी की जाती है, और जो इसकी पत्तियों की खासियत ये होती है कि इसकी पत्तियाँ अंडाकार, चौड़ी, दांतेदार, रोयुक्त तथा चमकदार होती है, चमकीली होती हैं। क्योंकि तो इसकी पत्तियाँ भी छोटी हैं तो इस टाइप की पत्तियाँ आ रही हैं, बाद में जब बड़ा हो जाता है ये पेड़ तो उसके बाद जो पत्तियाँ जो उसकी गोल जैसी भी हो जाती हैं, या देख रहे हैं अभी लंबी धुनी भी आपको अभी दिखा दे रही हैं। और दूसरी विशेष खासियत ये होती है कि इसमें कांटे पाए जाते हैं, या आप देखिए इसके पौधे में आपको ये वो कांटे दिख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कांटे होते हैं। जब बड़ा भी इसका वृक्ष हो जाता है तो फिर भी इसमें कांटे पाए जाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे जब भी आप इसके फलों का इस्तेमाल करें तो सावधानीपूर्वक इनको तोड़ें और थोड़ा कांटों से बच के ही तोड़ें। यह हो सकता है क्योंकि फल जब पकने लग जाते हैं तो खुद पता ही खुद ब खुद गिरने भी लग जाते हैं, तो ताज़े फल या किसी अन्य वृक्ष जिससे कि पौधे को नुकसान न पहुँचे, वैसे भी हम इसके फलों को तोड़कर उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पत्तियों की, जो पूर्ण विकसित वृक्ष होता है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी, जो फूल आते हैं वो सफ़ेद और बाहर से कुछ लाल टाइप के होते हैं, और जो फूलों का जो डायमीटर होता है वो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवास ये मुख्यतः पाया कहाँ जाता है। ये जो हमारे देश के भारत के जो हिमालय जो रीजन है उनसे लेकर अफगानिस्तान तक, और चीन में, बर्मा में, और ऊंचाई जो उसका एल्टीट्यूड हम माने तो 750 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। और जो इसमें मुख्य विशेषता इसकी ये है जो इसमें फ्लावरिंग होती है, जो जब ये पौधा फूलता है, पेड़ जब ये फूलेगा तो ये मार्च से अप्रैल के बीच में इसमें
फूल आते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पायरस पेस्टिया। और हम देश है या नेटिव मूल निवासी कहाँ का है हम बात करें तो ये दक्षिणी एशिया का मूल निवासी है। और अगर अन्य नामों की हम बात करें तो उर्दू और कश्मीरी में इसको तंगी, हिमालयी क्षेत्र और जो है हमारे उनमें तो अब ये महल के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके बात करें तो ये जैसे हिमालय क्षेत्र में भारत के पाकिस्तान, वियतनाम, चीन, कश्मीर, ईरान और अफगानिस्तान में मुख्यतः पाया जाता है। और विशेष हम बात बताएं इसकी लकड़ी की, जो इसकी लकड़ी होती है, जो इसकी कास्ट होती है, वो ईंधन के रूप में तो प्रयोग की जाती है, ये जलोनी लकड़ी के रूप में प्रयोग होती है। और इसकी जो लकड़ी जो होती है उससे जो कृषि उपकरण होते हैं उनको बनाने में, और क्या कहते हैं वॉकिंग स्टिक, जो घूमने फिरने की जो छड़ी होती है उसके इस्तेमाल में भी इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जो इसके पेड़ के जो लंबे लंबे जो शाखाएँ होती हैं तो उन लंबे पेड़ के तनों को चार दीवारी करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे घर के हम फेंसिंग करते हैं चार दीवारी, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। या जो भाई बहनों के अभी भी हमारे देशों में या विदेशों में जिनके अभी भी या मिट्टी के जो मकान बनाते हैं तो फेंसिंग की जाती है चारों ओर से, तो इन लकड़ियों की चारों ओर से लगाकर फिर उसमें या मिट्टी की लेप से बनाया जाता है। या वैसे भी अगर घर के बाहर जो जिसके पक्के मकान भी हैं वो भी अगर घर के बाहर फेंसिंग करते हैं तो इसके बाहर से लकड़ियों को सीधा खड़े जो लंबी लकड़ियाँ होती हैं, जो लंबे तने जो इसमें जो पेड़ बड़ा हो जाता है तो लंबे सीधे तने आते हैं इसमें, वो काट कर उनके बार टाइप की लगाई जाती है, तो फेंसिंग का काम करती है। और कहते हैं जिसकी जड़ है, जड़ का जो भाग है वो बट लगाने के लगाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें बडिंग की जाती है। जो जड़ होती है तने को जो पौधा होता है उसको जड़ से थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा जैसे तो 1.5-2 मीटर ऊपर काटा जाता है जब छोटा पौधा होता है, तो बडिंग इसमें की जाती है। तो जो इससे एक गढ़महल बनता है जिसको गढ़महल बोला जाता है, वो जो ये जो महल है इसमें नाशपाती की बड़ लगाई जाती है तो उसको ही गढ़महल बोला जाता है। तो इस पौधे का उपयोग बडिंग करने में भी किया जाता है। और एक विशेष बात हम बताएँ, जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं वो इसकी पत्तियों का प्रयोग चारे के लिए करते हैं। जो पत्तियां हैं और पतली शाखाएं हैं और जो पके हुए जो गिरे जो ताज़े फल होते हैं जो पेड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो इसके फलों का प्रयोग भी स्वयं भी स्थानीय लोग तो करते ही हैं, साथ में पशुओं को भी खिलाए जाते हैं, क्योंकि ये विशेष पौष्टिक गुणों से युक्त होते हैं और सेहत के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो फल होते हैं, फलों के रस का जो उपयोग होता है, अगर जैसे किसी की पशुपालक है तो उनके से जानवर हैं या मवेशी हैं उनमें जैसे आँखों की बीमारी हो जाती है, तो पुराने काल से ही आँखों की बीमारी के इलाज में इसके फलों के पके हुए जो फल हैं उनके रस का प्रयोग किया जाता है। और कहते हैं अगर किसी को ये डायरिया की समस्या हो रही हो तो वो इसके जो जूस का प्रयोग 6 चम्मच दिन में 2 बार करें तो डायरिया जो बीमारी है उसके इलाज में बहुत राहत मिलती है। पके हुए फलों का इसमें जूस बना दिया जाता है। और इसकी हम लकड़ी जो होती है कास्ट, इसकी विशेषता आपको बताएं तो इसकी लकड़ी कठोर होती है, भारी होती है और मजबूत और हल्के लाल भूरे रंग की होती है। तो लकड़ी जो उसकी विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि बहुत ही एक कास्टी और सुदृढ़ होती है, तभी इसकी वॉकिंग जो स्टिक होती हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। हम बात करें कि इसका जो फल है उसमें पोषक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं। इसका फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें 6.8% शुगर, 3.7% प्रोटीन, 0.4% पेक्टिन और न्यून मात्रा में विटामिन सी लगभग 1.2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में पाया जाता है। और इसमें कुछ खनिज तत्व ऐसे मिनरल्स वो भी पाए जाते हैं, जैसे 0.75% इसमें पाया जाता है।
पॉइंट हमने आपको बताया, पोटेशियम पाया जाता है 0.47% और कैल्शियम पाया जाता है 0.061% और फॉस्फोरस 0.026% और इसके अलावा मैग्नीशियम और आयरन भी इसमें इसके फल में मिलता है। और जो इसका संवर्धन होता है वो मुख्यतः बीजों द्वारा, मतलब बीजों के द्वारा और इसके स्टेम में, स्टेम की जो कटिंग वो लगाई जाती है, इसके द्वारा जो नए पौधे इसके तैयार किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा ये महल या हिमालयन पियर, ये कितने काम का और फायदेमंद पौधा है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।